कांग्रेस पार्टी के साथ में क्या परेशानी है कि जब सब पक जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में तैयार महाकाल के कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। वहीं महाकाल लोक के भव्य और दिव्य स्वरूप के उद्घाटन से पहले ही लोगों के बीच में होड़ मचना शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेसियों ने इस प्रोजेक्ट को कमलनाथ की देन बताई है। कांग्रेस पार्टी के साथ में क्या परेशानी है कि जब सब पक जाता है तो पका पकाया खाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता तैयार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में कॉरिडोर बन रहा है तो मोदी जी के आशीर्वाद से, मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे देश में जितने हमारे धर्म प्रेमी हैं, जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनका जीर्णोद्धार किया, उनको नए सिरे से बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी याद रखेगी। जिस वजह से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। इस वजह से कांग्रेस झूठा श्रेय लेने के चक्कर में लगातार प्रचार कर रही है। भाजपा ही देश की एकमात्र पार्टी है जिसने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश प्रदेश के धार्मिक स्थलों का विकास एवं उन्नयन तथा जीर्णोद्धार करने और नए कॉरिडोर बनाने का काम किया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सभी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुत्व परंपरा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज़ में।